पानीपत कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला और आया है। एक शख्स को दोषी करार देने के बाद जब तक उसकी सांस चलेगी तब तक वो जेल में रहेगा, ऐसी सज़ा जो है दी गई है। पूरा मामला आपने अभी थोड़ी देर पहले वॉइस ऑफ पानीपत पर देखा है। एक बार फिर से आपको बता दें कि 3 साल की बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई थी। जब वो मिली तब तक वो बच्ची इस दुनिया में नहीं थी। बड़ी बुरी तरह से मारा गया था, दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस सारे मामले को लेकर जिस वकील ने पैरवी की और जिस वकील का पूरा हाथ था वो मेरे साथ है। और बड़ी बात ये रही कि उस वकील को हम पहले भी वॉइस ऑफ पानीपत पर दिखा चुके हैं, 1 रुपया उन्होंने नहीं लिया और उन्हीं से बातचीत करते हैं। पवार साहब बधाई हो जी आपको, फिर आपने केस जीता। बस ये ड्यूटी है, परमात्मा ने ड्यूटी दे रखी है। हाँ। वो निभा रहे हैं, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। कि गरीब जिसके साथ कोई नहीं है उसको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा मैंने केस। हाँ, तो और इनको बता दें कि चलो बच्ची इस दुनिया में नहीं है, उसका सबको खेद है। और पानीपत में लगातार बच्चियाँ जो है गायब हो रही हैं। पिछले दिनों भी आप लोगों ने देखा बच्चियों की लाशें मिली हैं। अभी एक बच्ची और विकास नगर से गायब है, वो 31 तारीख को गायब हुई थी लेकिन आज तक उसका भी नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन बड़ी दुखद खबर है और ये भी जो हम दिखा रहे हैं ये भी बड़ी दुखद मामला था। 2019 का मामला चुड़ाए मोहल्ले में, हमने आपको वीडियो दिखाई थी तब की भी चुड़ाऊ मोहल्ले में बच्ची कहाँ और किस परिस्थितियों में मिली थी। एक शराबी जाता हुआ राजेश, उसको पुलिस ने पकड़ा था और तत्कालीन SP सुमित कुमार इस सारे मामले में पैरवी कर रहे थे उस समय। और 250 के करीब पुलिस कर्मचारी उस आरोपी को पकड़ने के लिए लगे हुए थे और आरोपी जो है पकड़ा भी गया और कल जो है फैसला है। पवार साहब मेरे साथ है। पवार साहब, आपने पैरवी की, क्या क्या सबूत जुटाने पड़े? पुलिस का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है इस सारे केस में। देखिए जी, मैं पुलिस की तत्परता और लगनता की बात करूंगा। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए इसमें जो आरोपी था जिसने ये कुकर्म किया है उसको बहुत जल्द गिरफ्तार किया, सलाखों के पीछे भेजा। उसके बाद ये 2.5-3 साल ट्रायल चला है। इसमें जो लड़की के पेरेंट्स हैं उन्होंने और जो उनके रिलेटिव हैं जो उसमें आसपास के जो गवाह थे उन्होंने भी काफ़ी हिम्मत जुटाई है सामने आने के लिए। जो भी सच्चाई थी सच्चाई को ऑनरेबल जज साहब के सामने लाया गया और सारा मामला सुनने के बाद, सारी गवाहों की गवाही सुनने के बाद, आर्गुमेंट्स होने के बाद, जज साहब ने इसमें कल फैसला सुनाया था जिससे हम बहुत खुश हैं। अच्छा फैसला सुनाया गया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपये एज ए कंपनसेशन विक्टिम के पेरेंट्स को देने के लिए कहा गया। क्या कितने लोगों की गवाही हुई सारे केस में और क्या ऐसा सबूत था जिसके हिसाब से जो है ये फैसला सुनाया गया? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि किन तथ्यों के आधार पर ऑनरेबल जज साहब ने इस फैसले को, ये जो 302 का एक्चुअली ये मामला जो था 302 और 6 पोक्सो का था, इसमें क्या था कि हमें कैसे पता चला कि लड़की राजेश नहीं उठाई है, कहाँ से गायब हुई? तो वहाँ पर CCTV फुटेज थे गली में, CCTV फुटेज के आधार पर वो लड़की को उठाता हुआ दिख रहा है, उसको चॉकलेट दे रहा है, टॉफ़ी दे रहा है, उसको दिया, फिर उसको गोद में उठा के वो चला गया है। फिर लड़की की उसके बाद ये माँ बाप ने जब देखा है भाई काफ़ी देर तक लड़की नहीं मिल रही है, 2.5-3 साल की लड़की है, कहाँ गायब होगी? तो पूछताछ की गई, पूछताछ के बाद पता चला उसके घर पर गए तो उसने जो है दरवाज़ा बंद कर लिया। तो ये ज़बरदस्ती फोर्सफुली उन्होंने दरवाजे, इनको शक हुआ, इन्होंने दरवाज़ा खुलवाया तो ऊपर वाले रूम में गए तो वहाँ पर देखा कि लड़की जो है बेड के साथ में नंगन अवस्था में उसकी गर्दन को जो है बहुत बुरी तरीके से तोड़ रखा था। कहते हुए दुख आ रहा है मुझे, एक 3 साल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। खैर दुख है, तो एक 3 साल की बच्ची की लाश उसके घर से मिली है, प्लस जो उसकी जराबे थी, जो उसके टोपा था, जो उसके ग्लव्स थे ठंड के दिन, तो वो जो मुलजिम है इसमें, जो आरोपी है राजेश, उसके घर में एक हारा होता है बाय का, उसके हारे में वो चीज़ें जली हुई मिली हैं। तो उन्हीं आधार पे कि एक डेड बॉडी का उसके घर से मिलना, उस लड़की के कपड़े उसके हारे से मिलना जली हुई अवस्था में, इन सब चीज़ों को देखते हुए कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट ने और वीडियो CCTV फुटेज को कनेक्ट करते हुए इस आरोपी को इस सजा सुनाई गई है। सर, अच्छा आपका ये कितना केस जो है आप जो फ्री में लड़ा और इससे पहले भी तक कितने केस लड़ चुके हैं, थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। देखिए जी, वैसे तो अगर कोई नीडी है, ज़रूरतमंद है, कह देते भी गरीब आदमी फीस नहीं है, तो उनकी पूरी हेल्प की जाती है, सहायता की जाती है और जिनकी पेइंग कैपेसिटी वो देते भी हैं और जिनसे नहीं बन पाती। इससे पहले भी मैंने एक केस लड़ा था, उसमें भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट कराई थी और कंपनसेशन के तौर पर उनको 3.5 लाख रुपये मैंने दिलाए थे
और इसमें जो है 1 लाख रुपए के ऑर्डर पास हुए हैं। तो यही प्रयास रहता है कि आगे फ्यूचर में भी अगर इस तरह के कोई केस आता है जो नीडी हैं, गरीब हैं, जिनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है फीस देने की, तो मैं हमेशा तैयार हूँ। कभी भी कोई भी आएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने के लिए, ऐसे गरीब आदमी की सहायता करने के लिए, परमात्मा ने जो मुझे ड्यूटी दी है, जो मेरे गुरु का आशीर्वाद है, उसके साथ मैं हमेशा। क्या देखते हो, कैसे मतलब पता लगता है कि ये गरीब है, उसके बैकग्राउंड देख के? देखिए जी, इतना हम आइडिया जज कर लेते हैं कि किसके पास देने के लिए है या नहीं है। हर आदमी से पूछ लेते हैं कि जी आप क्या काम करते हो, मैं रेडी चलाता हूँ। ये जो इसमें जो विक्टिम के जो फादर है और जो मदर है, ये रेंट पे रहते हैं जी, और ये रेडी का काम करता है जी, सब्जी वगैरह बेचता है गली में। तो इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे जी? गरीब आदमी है, कहाँ से पैसे देगा, कहाँ से वकीलों की मोटी मोटी फीसें देगा? एक 302 का ट्रायल लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी महाभारत होती है। हर चीज़ को देखते हुए, फैक्ट्स को देखते हुए, गवाहियों को देखते हुए, 4-4, 5-5 घंटे केस में खड़ा होना है, गवाही करानी है, अपोज भी करना है, हर चीज़ को देखना है कि कोई मेरे क्लाइंट के खिलाफ तो नहीं जा रही कोई चीज़, कहीं मेरा केस ख़राब तो नहीं हो रहा। तो सब जो मैंने सीखा है उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं जी, कर रहे हैं। ये इसको जब तक सांस से रहेगी तब तक अंदर रहेगा। हाँ जी, आजीवन में और इसमें क्या फ़र्क है? देखिए जी, आजीवन कारावास का इसमें दिया गया, आजीवन कारावास में 20 साल की सजा है। तो इसकी जो है 3.5 साल हो गई है मेरे ख्याल से, 3-3.5 साल। तो आजीवन कारावास का मतलब है 20 साल ही काउंट होते हैं उसमें जी। ये जो बताया भी सब तक सांसें रहेगी तब तक अंदर रहेगा, ऐसा मैंने ऑर्डर अभी नहीं पढ़ा है, ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ था। जैसे ऑर्डर होगा तो फर्दर जो भी इसमें स्टेटमेंट होगी। मतलब आजीवन कारावास 20 साल जो है काउंट होता है, दिन रात काउंट होता है कि 20 साल ही काउंट? 20 साल ही काउंट होंगे जी, दिन रात पहले होते थे, अब नहीं होते, अब डे डे काउंट होता है जी। जब से ये पकड़ा गया तभी से अंदर था कि बेल वेल पे था ये? नहीं जी, बेल पे नहीं था, तब से पकड़ा गया तब से ही अंदर था, ना ही बेल पे आया, और ये अंदर ही रहा है। दो बार इसने जो है जेल भी ट्रांसफ़र की अपील भी लगाई थी, एप्लीकेशन लगाई थी, बट ये करनाल जेल में ही था। आरोपी की बैकग्राउंड क्या थी आपको बताओ? आरोपी सर जो है सुनने में जो आया है मुझे, जो अड़ोस पड़ोस में जो क्रॉस चेक किया था, ये जो है नशा पत्ते वगैरह करता था। परिवार वाले, इसके खुद के परिवार वाले भी इससे तंग थे, और जज साहब ने बहुत बढ़िया फैसला दिया है कि ऐसे एक जो सामाजिक तौर पे भी एक कलंक है, जो जिससे ये एक ऐसा एलिमेंट है जिससे दूसरों को भी खतरा हो सकता था, ये बहुत अच्छी जगह चला गया, जेल में चला गया, ठीक है, बाहर ना ही आए तो अच्छा है। यही सरकार से अपील है, प्रार्थना है कि आगे जो अगर हाईकोर्ट में अपील में भी जाए तो इसको एटलीस्ट कम से कम बेल ना दी जाए किसी भी कीमत। भगवान ना करे किसी को वकील की जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी अगर कोई आपके आसपास नीडी आदमी है, जरूरतमंद आदमी है, 468 इनका चैम्बर नंबर है और जिला कोर्ट में ये लोग बैठते हैं, बलबीर पवार इनका नाम है। और बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे केस जो हैं बिल्कुल फ्री लड़ते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में एक सेवा है, और इस सेवा का इन्होंने लाभ उठाते हुए उस शख्स को जो है सजा सुनाई है, वाकई काबिल तारीफ है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ।